मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी है, विश्वास योग्य है, वही सनातन से सनातन काल के लिए स्थिर है। जब भाई देश मेरा परिचय दे रहे थे, परिचय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिचय एक व्यक्तित्व के जीवन को, उसके प्रभाव को, उसकी सामर्थ को प्रकट करता है। तो भाई ने जो कुछ मेरे बारे में बताया वो उतना था जितना वो जानते हैं। ठीक इसी तरह से परमेश्वर जो सनातन है, अगम्य है, विराट है, इस पृथ्वी का स्वामी है, उसका परिचय कौन दे सकता है? क्या कोई मनुष्य उस परमेश्वर का परिचय दे सकता है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ में कोई मेल नहीं है। वो अगम्य है, सनातन है, लेकिन समस्त पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसे कई पद और ऐसे अध्याय देखते हैं जहां परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मनुष्य उसे जाने। मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें। पढ़िए, जिसको भी मिले पढ़े, कोई बात। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ये बड़ा सुंदर और बड़ा प्रभावशाली वचन है। ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे जाने। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे माता पिता और माता पिता के कुछ लोग, परिवार के कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे और तमाम हमारे परिवार और कुटुंबी और मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, धर्मपत्नी दीप्ति भटनागर जी का पूरा कुटुंब, पूरा परिवार परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरे जीवन में एक जिज्ञासा थी कि मैं उस परमेश्वर को जानूं। हम यूपी से रहते हैं, आगरा से मैं बिलोंग करता हूं, तो उस समय लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था नाइट के समय में। तो मैं छत पर जब हम रात के समय में सोते थे तो मैं तारों को देखता था, चंद्रमा को देखता था और सोचता था कि हु मेड इट, किसने इसे बनाया है। फिर हम गुलाब की खुशबू को देखते हैं, गुलाब का जो फूल है उसको देखते हैं, उसमें कितनी सुंदर खुशबू आती है, कैसे वो खुशबू वहां पहुंच गई, कैसे भांति भांति के पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। और ये मनुष्य जो सबसे बहुमूल्य है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये कैसे जीवित प्राणी बन गया। और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता था। उस परमेश्वर को जानने के लिए मैंने अपने जीवन के 20 साल, लगभग 20 साल धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, पवित्र बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन जिसको हम नौ दर्शन कहते हैं, 544 ग्रंथ, वेदांत दर्शन, चारों वेदों को, 108 उपनिषदों को, 18 पुराण, ये लगभग 544 किताब है। और ये किताबें परमेश्वर की ओर इशारा करती हैं, परमेश्वर के बारे में बताती हैं, कोशिश करती हैं। लेकिन संसार की किसी भी पुस्तक को पढ़िए, भारतीय दर्शन में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल एक परमेश्वर है, दो नहीं है। अंत में ऋषि वेदव्यास जी ने कहा नैति नैति केनापि जानम, और कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर को नहीं जानता। आगे लिखा है कि जब तक स्वयंभू सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे, स्वयं परमेश्वर ना बोले, स्वयं परमेश्वर बात ना करे, कोई मनुष्य उसको नहीं जान सकता, जब तक स्वयं अपने आप को परमेश्वर प्रकट ना करे। उदाहरण, भाई हितेश मेरे बारे में पास्टर साहब से या आपसे कभी कभी बात करते होंगे, लेकिन आज मेरा सौभाग्य आपके बारे में भी मुझसे बात करते थे, पास्टर साहब के बारे में बात करते थे, आपकी विशेषताओं की, आपकी सेवा के बारे में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन प्रत्यक्ष, आज मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूं
और मैं इसका आनंद ले रहा हूं, इसका अनुभव ले। जब तक स्वयं परमेश्वर हम पर अपनी महिमा को प्रकट ना करे, क्या कोई मनुष्य उसे जान सकता है? अगर आप यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है यशाया जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है तो वो कह रहा है कि आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं, मेरा प्राण निकल रहा है, बिकॉज ही इज ए होली गॉड, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और कोई उसे देख नहीं सकता। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा कि मूसा अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं रहेगा। मैं सनातन परमेश्वर हूं, पवित्र, इतना पवित्र परमेश्वर हूं कि यहां तक कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखों को उसके सामने बंद कर लेते हैं। तो जो स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं वो उसे नहीं देख सकते, तो मैं और आप उसे कैसे देखेंगे? ये सब कुछ विराट था, असंभव था, लेकिन आज से 2000 साल परमेश्वर ने इस भेद को, इस सनातन भेद को हम पर प्रकट किया। इसलिए कुलुसियों का पत्र कहता है कि जो आदि से गुप्त था वो मनुष्यों पर प्रकट किया गया, जो गुप्त था वो प्रकट किया गया। ये सब कैसे हुआ, हम इसके विषय में आज संक्षेप से बात करेंगे। बहुत विस्तार से बात नहीं होगी, लेकिन संक्षेप में बात होगी। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें आशीष दी, उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें स्वतंत्रता दी। और आदम और हव्वा बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, लिखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, स्वयं परमेश्वर आदम और हव्वा से बात करते थे। ये सब कुछ कितना सुंदर था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संसार में पाप आ गया और उस पाप ने परमेश्वर के साथ मनुष्य के उस संबंध को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। अब हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया। ठीक है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हें आशीष दी, उन्हें स्वतंत्रता दी, पाप आ गया और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाल दिया। ये कहानी, ये दृष्टांत यहां खत्म हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया, बस ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये कहानी खत्म हुई? अगर ये कहानी खत्म होती तो ये बाइबल शायद 3 पन्ने की होती कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उन्हें आशीष दी और पाप आ गया और सब खंडित हो गया, सब खत्म हो गया, पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा हो गया। लेकिन याद रखिए, आपके हाथ में ये जो इतनी मोटी बाइबल है, इसके बारे में पौलुस कहता है कि ये तो अभी संक्षेप में लिखी गई, अगर इतनी लिखी जाती कि पूरी पृथ्वी पर नहीं समाती। ये तो संक्षिप्त है। अगर परमेश्वर की सारी महिमा को लिखा जाए, परमेश्वर के सारे भेद और प्रकाशन को लिखा जाए, तो इतनी बड़ी पुस्तक की वो जगत में नहीं समाएगी। एक बार परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा A man cannot live without God. मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। ये इतनी मोटी बाइबल, हजारों लाखों दृष्टांत, हजारों लाखों बातें, लोग, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इस धरती पर मनुष्य बनकर उतर आया। मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, ये सब अच्छे से समझता हूं और मेरी पत्नी भी समझती है। संसार में लाखों डिस्कवरियां हुई। आज एक मनुष्य जिसकी हाइट 5.5 फीट है, वो बोइंग जहाज उड़ाता है। इतना बड़ा जहाज है जिसके अंदर लगभग 550 लोग बैठ जाते हैं और टनों उसका जो है वजन होता है, और वो ये भारत से उड़ता है और अमेरिका पहुंच जाता है 15 घंटे में। एक मनुष्य, आज मनुष्य जो है वो चांद पर भी पहुंच चुका। अभी लास्ट मंथ एक अखबार में खबर थी कि नासा के वैज्ञानिक जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। मनुष्य कहां पहुंच गया? संसार में लाखों डिस्कवरियां हैं, लाखों प्रमाण हैं, खोज हैं बुद्धि और ज्ञान के,
लेकिन संसार का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आया। चार्ली ड्यूक, जो अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट हैं, वो जब चांद पर गए तो वो चांद पर टहल रहे थे। वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास भी हैं। तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है वो हवा में खड़ी हुई है। हम सब विज्ञान के कुछ लोग छात्र हैं, हम जानते हैं कि द अर्थ इज हैंगिंग ऑन इन द स्पेस। तो उन्होंने अपने घुटने टिकाए, चार्ली ड्यूक ने अपने घुटने टिकाए और कहा, ओनली गॉड कैन डू, केवल ये परमेश्वर ही कर सकता है कि पृथ्वी जो है वो हवा में खड़ी है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर की अनुग्रह पर खड़ी है, ये परमेश्वर की दया है। और आज हम उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे संक्षेप में। पवित्र शास्त्र बाइबल सबोपदेश की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 13 पद यह लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो बुरी हो, न्याय करेगा। आज की सुबह दो बातें आपको याद रखनी है, हो सकता है आप मेरा पूरा संदेश भूल जाएं, लेकिन दो बातें याद रखिएगा। परमेश्वर युगानुयुग जीवित है और मनुष्य इस संसार में थोड़े समय के लिए है। संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज युगानुयुग बना रहेगा। आज उस परमेश्वर के बारे में तीन महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, जिसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, एक बात अपनी जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, दैट यू वर्शिप अ लिविंग गॉड, आप एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे घर के पास में एक मैदान था जिसपे एक बड़ी सी मजार बनी थी, और जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे, बच्चे थे, जवान बच्चे भी थे वहां हम सब लोग, तो हम उस मजार के आगे माथा टेकते थे कि आज हम 100 रन बनाए, आज हम मैच जीत जाए। और ऐसी हम प्रार्थना जो है वो झुक कर उस मजार के आगे किया करते थे। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया, मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया, मैंने इस बात को पाया कि वो परमेश्वर मजारों में नहीं रहता, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, वो कब्र में नहीं रहता, उसका सिंहासन जो है वो स्वर्ग में है। ही इज ए लिविंग गॉड। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर throughout your life that you have been called by a living God. You worship a living God. 6 November 1977 को एक रेल दुर्घटना हुई, और उस रेल दुर्घटना में मेरे जो दादाजी थे उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी उस समय जवान थे, और जब वो रेलवे स्टेशन पर गए तो उन्होंने अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखा और वो डर गए। कल तक जो जीवित थे, जो उनसे बातें करते थे, जो उनकी चिंता करते थे, जो उनके बारे में सोचते और योजनाओं को बनाते थे, वो आज मरे हुए जमीन पर हैं। अतः मेरे पिताजी को अपने दादा उनके पिताजी के कही हुई एक बात याद आई, जो मैंने अभी अपने बच्चों को समझा दिया है। वो ये है कि चाहे मैं संसार में हूं या ना हूं, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे बीच एक जीवित परमेश्वर हमेशा रहेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और जो तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। We have a living God. दूसरी महत्वपूर्ण बात, We have a faithful God. एक विश्वास योग, ना वो केवल सिर्फ जीवित है लेकिन एक विश्वास योग है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं एक बड़ी सभा में प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में प्रचार कर रहा था। एक जवान लड़का मेरे पास में आया, उसने कहा कि पास्टर साहब, आचार्य जी, आपने जो कुछ बताया बड़ा सुंदर था, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा कम सहमत हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि मैं कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं 4 साल से, 3 साल से,
लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर विश्वास योग्य। ठीक कहा आपने कि परमेश्वर जीवित है, ठीक कहा आपने कि वो सामर्थ्य है, लेकिन वो मेरे लिए विश्वास योग्य है, मैं इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। मैंने उस जवान को कहानी बताई और वो कहानी भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त धनवान था जिसका ग्रोसरी स्टोर था, राशन की दुकान, चीनी चावल उसमें मिलता था। और जो उसका दूसरा दोस्त था वो गरीब था और वो साइकिल चलाता, घर घर जाता, मक्खन बेचता, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जिसको जैसी आवश्यकता थी। और ये जो गरीब मित्र था ये अपने धनवान मित्र की दुकान पे जाता, उसे 1 किलो मक्खन देता और उसके बदले में चीनी चावल ले लेता था। और ये मित्रता, ये व्यापार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इस धनवान मित्र ने क्या देखा कि उसका मित्र जो उसे 1 किलो मक्खन देकर गया है, ये 1 किलो नहीं है, ये 800 ग्राम है, अर्थात 200 ग्राम की चोरी। तो ये बड़ा दुखी हो गया, बड़ा निराश हो गया, बोला अरे मैं अपने मित्र से पूछूंगा कि उसने मेरे मुझे धोखा क्यों दिया। तो दूसरे दिन उसका मित्र आया तो उसने उसको पकड़ा और कहा कि तुम मुझे जो मक्खन देते हो वो 1 किलो नहीं है, वो 800 ग्राम है। तो वो डर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा मेरे मित्र मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, फॉरगिव मी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक धनवान व्यापारी नहीं हूं, मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है। आप एक बड़े व्यापारी हो, आपके पास एक अच्छा तराजू है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी दी हुई चीनी के 1 किलो पैकेट को अपना बांट बनाया था। मैं तुम्हारी दी हुई चीनी से ही अपना मक्खन तोलता आया हूं। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता के लिए प्रेरित करता है, विश्वास योग्यता के लिए प्रेरित करता है, नम्रता के लिए प्रेरित करता है, सद्भावना के लिए प्रेरित करता है, अतिथि सत्कार के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपने जीवन बातों को आज्ञा इन बातों के लिए आधार नहीं बनाएंगे तो हम कैसे परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को अनुभव करेंगे। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, बिल्कुल सूर्य के समान जो आपको प्रकाश दे रहा है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर ये सूर्य जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं जो 6,500 साल से खत्म नहीं हुई। जब आप गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो वो 18 दिन में या 20 दिन में या उसके उपयोग के अनुसार खत्म हो जाता है। अगर मेहमान आ जाए, अभी हितेश तुम्हारा तो गैस सिलेंडर 3 दिन में खत्म होगा, तुम्हारे पास बहुत रिलेटिव दोस्त आने वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 6,500 साल से वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस नहीं खत्म हो रही, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप रात को बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो जुपिटर आपकी रक्षा करता है। आप जानते हैं जो बृहस्पति ग्रह जिसको जुपिटर कहा जाता है, हमारे कॉस्मोस में, हमारे स्पेस में बहुत सारे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हैं, जिसको रोज प्लैनेट भी कहा जाता है, जो टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहते हैं। और अगर एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट भी आकर पृथ्वी से टकरा जाए, उसका साइज जो है वो आपके गुजरात के बराबर है। अगर एक भी चट्टान गुजरात के बराबर पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा, हम बचेंगे? लेकिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, द जुपिटर इज प्लांटेड बाय योर फेथफुल गॉड टू टेक केयर ऑफ दैट। जैसे आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है, ऐसे ही जुपिटर का मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को बाहर खींच के निकाल देता है कि पृथ्वी तक मत जाना, ये परमेश्वर का हुक्म है। दैट इज फेथफुल गॉड। सो यू हैव अ लिविंग गॉड। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाटएवर कंडीशन सिचुएशन, आपकी बस छूट जाए, याद रखें एक जीवित परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपकी फ्लाइट छूट जाए, फिर भी जीवित परमेश्वर आपके साथ। एग्जाम में पास हो फेल हो, जीवित परमेश्वर आपके साथ है। मनुष्य आपका तिरस्कार करे, जीवित परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर आपके साथ है। लोग आपका अपमान करें, कोई बात नहीं, जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर आपके साथ।
तीसरी महत्वपूर्ण बात, ही इज ए ओमनीपोटेंट गॉड, सर्व सामर्थी परमेश्वर. बाइबल सेज एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, प्रकाश और प्रकाश हो गया. तो एक दिन मैं कुछ साइंस के स्टूडेंट थे, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी. दे वर ऑल एथियस्ट, दे बिलीव इन क्रिएशन मॉडल, कि नहीं ये जो संसार जो बना है वो कैसे कैसे बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल दैट. एंड आई वॉज प्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड समवन सेड कि आपकी बाइबल में लिखा है पहला वचन, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो, प्रकाश हो गया. तो सूरज तो था ही नहीं, प्रकाश कैसे हो गया? सूरज तो परमेश्वर ने चौथे दिन बनाया ना. देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? इफ सन इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट देन व्हाट इज, आई सेड गॉड हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ लाइट. स्वयं परमेश्वर ही प्रकाश का स्रोत है. जब हम ओमनीपोटेंट परमेश्वर के लिए बात करें, जर्माया में लिखा है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? इज इट एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर यू? आप जब यहां बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, रिलैक्स, इतना अच्छा एसी, सुंदर आपका चर्च है. आप 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं. आपको मालूम है जो लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप 100 की स्पीड पे चलाते हैं, 120 पे चलाते हैं तो आपको झटका लगता है, स्पीड ब्रेकर आता है. नहीं भी स्पीड ब्रेकर होगा तो भी आपको एक सेंसेशन रहेगा कि हाँ गाड़ी चल रही है. लेकिन राइट नाउ 1675 किलोमीटर पर आवर द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस. 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी जो है वो हवा में घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है. लेकिन आपको एक भी झटका नहीं लगता, बिकॉज द बाइबल सेज वी हैव ए पावरफुल गॉड हु होल्ड्स इट टुगेदर. इतना सामर्थ्य परमेश्वर है. और इतना ही नहीं, 107,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं. सो देयर इज ए टू स्पीड, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. आप खुद भी घूम रहे हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं. इतना सामर्थ्य परमेश्वर है. हम किसी संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर की आराधना नहीं करते. हम किसी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो मजार में है. बाइबल कहती है तुम उसके लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? क्या हम परमेश्वर के लिए मंदिर बना सकते हैं? कैन वी बिल्ड अ टेंपल फॉर गॉड हु इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन? वो इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है. देखिए वो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, वो चिड़ियों के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है. एक गौरैया, जो स्पैरो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, छोटी सी गौरैया होती है उदाहरण के लिए, वो अपने घर से, अपने घोंसले से खाना लेने निकलती है. लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक दूर खाना लेने चली जाती है. और जब वो खाना प्राप्त कर लेती है, पा लेती है, तो उसको वापस आना है. कौन उसे वापस लाता है? अब उसके बच्चों के पास. आपका जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर. जब वो उस चिड़िया का मार्ग नहीं भटकने देता तो वो आपका मार्ग कैसे भटकने देगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर आप मनन करें, चिंतन करें. हम GPS यूज करते हैं. GPS जब यूज करते हैं तो ये आपसे कहता है सीधे चलते जाओ, सीधे चलते जाओ. आप GPS को चकमा दीजिए. GPS आपसे कहता हो सीधे जाओ, आप राइट ले लीजिए. तो GPS कहेगा ये बहुत बुरा आदमी है, ये जो है गड़बड़ करता है, मेरी बात नहीं मानता. ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा. कोई बात नहीं. GPS कहेगा कोई बात नहीं, आपने राइट ले लिया, मैं आपको फिर रीडायरेक्ट कर दूंगा, सही मार्ग पर कनेक्ट कर दूंगा. फिर आप लेफ्ट ले लीजिए, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेगा. आप जानबूझकर गलती कीजिए, वो फिर भी आपको सही मार्ग दिखाएगा. अगर ये मनुष्य का सॉफ्टवेयर जिसे GPS अगर आपको नहीं छोड़ेगा, तो परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा. That is a mighty God. एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 10:14. सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है. जो कुछ स्वर्ग में है, व्यवस्था विवरण 10:14. अब अभी हम लोग तो गए नहीं है स्वर्ग, जब जाएंगे तब देखेंगे. लेकिन एज फार एज जब हम एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स कितना वास्ट है, ब्रह्मांड कितना वास्ट है. आज तक की रिसर्च के अनुसार मनुष्य केवल
4% केवल 4% यूनिवर्स को डिस्कवर कर चुका है, 96% यूनिवर्स जो है वो अभी भी अनडिस्कवर है, जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि मनुष्य वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता, डार्क मैटर डार्क एनर्जी तक कभी नहीं पहुंच सकता। और लाखों करोड़ों अरबों प्लैनेट्स स्पेस में, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ स्वर्ग में है, एवरीथिंग बियॉन्ड दिस अर्थ, हमारे जो अर्थ की जो फोर लेयर्स हैं, जो लास्ट लेयर है उसके बाद स्वर्ग शुरू हो जाता है, आसमान शुरू हो जाता है, आसमान का परमेश्वर है। तो एक बार मैं और मेरी पत्नी एक दुकान में थे, वो जो गोल्ड स्मिथ जो डायमंड्स वगैरह बेचते हैं, वो कुछ वो मेरे मित्र थे, वो जयपुर में जैन परिवार से हैं, तो उन्होंने मुझे एक हीरा दिखाया, कहते हैं आचार्य जी देखिए ये हीरा जो है छोटा सा हीरा है, बहुत स्मॉल हीरा, ये 3.5 लाख रुपए का है, वेरी टाइनी वेरी स्मॉल डायमंड इज कॉस्ट 3.5 लाख रुपीज। बोला अच्छा, कहते हैं इसको आप इन्वेस्ट कर लीजिए। बोला नहीं मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया। कहते कहां? मैं बोला स्पेस में, हमारे ब्रह्मांड में एक प्लैनेट है जिसका नाम कैंक्री 55E है। बोले कैंक्री 55E ये क्या होता है? मैंने कहा ये जो कैंक्री 55E है ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, ये पृथ्वी से दुगना बड़ा है, और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये पूरा प्लैनेट ही हीरे का है। ये आपका छोटा सा ये हीरा जो है टुकड़ा हमने इन्वेस्ट किया है कैंक्री 55E में, बिकॉज द बाइबल सेज इवन दैट प्लैनेट बिलोंग्स टू माय गॉड हु होल्ड्स एंड हैज एवरीथिंग। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, आगे लिखा है वचन संहिता 24:1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब उसका है। मैं सिंगापुर में था तो मैंने पहली बार एक एक्वेरियम देखा जिसमें लाखों प्रकार की मछलियां, कलरफुल मछलियां, और लगभग मैं 3 घंटे वहां रहा। बड़ा एक्वेरियम है वो, उसमें छोटी छोटी मछलियां, हरी गुलाबी नीली, मैं देखकर इतना आश्चर्यचकित हुआ। और तब मुझे ये वचन याद आया कि जो कुछ पृथ्वी में है वो सब यहोवा परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे जाने। यू मे नो हिम, यू मे कम क्लोज टू हिम। और वो इतना विराट परमेश्वर जिसके बारे में हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, why that God became man and dwelt among us, किसी ने कहा कि यीशु मसीह हमें संसार में परमेश्वर उद्धार देने के लिए आया, राइट? यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि हमें वो, क्या वो हमें और आपको उद्धार स्वर्ग में बैठकर नहीं दे सकता था? जैसे उसने कहा लेट देयर बी लाइट, वो कह सकता था लेट देयर बी ए सल्वेशन, बट द बाइबल सेज He chose to become man and dwell among us. Let me read some verses for you very fast. परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई, Romans 5:8, रोमियो का खत उसका 5:8 परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। इस वचन पर जरा ध्यान दीजिए, जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। मृत्यु एक संसार का सबसे कड़वा विषय है। मुझे याद है मैं एक बार जयपुर से बैंगलोर की हवाई यात्रा में था और एक बड़ा सीवियर टर्बुलेंस हुआ फ्लाइट के अंदर। वो इतना सीवियर टर्बुलेंस था कि हवाई जहाज जो है वो पत्ते के समान हवा में लड़खड़ा रहा था। सारे लोग जो इधर बैठे थे वो इधर हो गए, इधर पायलट लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम एंड यू नो वी आर फेसिंग एक बड़ा दुविधा है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पूरे जहाज के अंदर धनवान लोग, योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। चारों तरफ से रोने चीखने और चिल्लाने के बाद मृत्यु का भय, कौन मृत्यु के भय से बच सकता है? और मैं उस जहाज में बैठा था और मेरे आगे यही प्रश्न था कि प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर ये जहाज गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करता हूं, और प्रभु अभी मुझे आपकी और सेवा करनी थी।
क्या मुझे ये मौका मिलेगा कि अभी इस भारत देश के अंदर हम लाखों करोड़ों लोगों को आपके बारे में बताएं, क्या ये मृत्यु मेरे लिए आखिरी दिन होगा? मैं आपको सच बताता हूं, यद्यपि मैं एक बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं एक अच्छा शूरवीर भी हूं, मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, आई कम फ्रॉम आगरा, जो आगरा की जो बेल्ट है थोड़ी शूरवीरों की बेल्ट है, लेकिन मृत्यु का भय जो है वो वास्तव में खतरनाक है। कोई व्यक्ति मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता। एक बड़े अच्छे मेरे फौजी मित्र हैं, 1965-71 में कर्नल सीनियर कर्नल हैं, उन्होंने सारी लड़ाइयां लड़ी। जब मैं उनके संग बैठ के बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा बम फटा, ग्रेनाइट फटा उनके पास में और वो एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे और वो 3 घंटे बेहोश रहे और 3 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तब उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि क्या मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ पैर मेरी उंगलियां ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी वास्तव में मृत्यु का भय बहुत खतरनाक है, हम इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं, बट इन द हिस्ट्री देयर इज समवन हु इज डेलिबरेटली रेडी टू टेस्ट द डेथ। कोई है जो मेरे और आपके लिए इस मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। लिखा है हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 में, मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। हिब्रू चैप्टर 2:9, रोमन्स 5:6, जब हम निर्बल थे वो हमारे लिए मर गया। Why? मेरे प्रियो, आप यहां पर सब समझदार लोग बैठे हैं, योग लोग बैठे हैं, प्रभु को प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, एक जीवन को जीवन देने के लिए उस मां को उस मृत्यु की समानता में होकर जाना होता है। She has to shed the blood to give life. जब परमेश्वर को भाया कि वो मुझे और आपको नया जीवन दे, मुझे और आपको पापों से बचा ले, बाइबल कहते ही वॉज रेडी इनफ, वो इतना तैयार था कि उसने मृत्यु को, उस भयानक मृत्यु को भी चखने के लिए पीछे नहीं हटा। मैं सन 2005 से 2008 तक प्रचार करता था, देश और दुनिया की सबसे बड़ी सभाओं में मैंने प्रचार किया, चाहे न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, भारत की सबसे बड़ी सभाओं में प्रचार करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन एक दिन 8 नवंबर सन 2008 मैं आईसीयू में खड़ा था और मेरी बेटी आर्णिका जो पैदा हुई थी वो आईसीयू की नर्सरी में रखी हुई थी, उसके चारों ओर वेंटिलेटर्स मशीन्स, उसके ग्लूकोज व्हाटएवर, एक आईसीयू के अंदर जिसे आप समझ सकते हैं मशीन के अंदर। मेरे प्रियो, उस समय ये बुद्धिमान योग शूरवीर पागलों की तरह रो रहा था। बड़ी से बड़ी सभाओं के अंदर खड़े होकर मिनिस्टर्स अधिकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैंने सुसमाचार दिया सामने बैठाकर, भारत की पार्लियामेंट में 3 बार प्रचार किया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में प्रचार किया। लेकिन उस समय उस आईसीयू के अंदर खड़े होकर मैं मानो एक दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति की तरह रो, एक आंसुओं की, लोग उदाहरण देते हैं कि ये महिलाओं की तरह रोते हैं, कभी कभी हम कंपेयर करते हैं कि ये तो लड़की की तरह रोता है। मेरे प्रियो, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी बेटी को, इसका जन्म हुआ था, आईसीयू में रखा, देखा, डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इस बच्चे को इस आईसीयू से बाहर निकालने के लिए और इसको सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए जो कुछ देना पड़े मैं दूंगा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। और जब मैं कमरे के बाहर आया तब पवित्र आत्मा मेरे से बात करने लगा, प्रभु ने कहा कि अभी तो तुमने उसे छुआ भी नहीं, क्योंकि वो नर्सरी के अंदर थी, मशीन के अंदर थी, आई कुड नॉट टच हिम हर, अभी तो मैंने उसे प्यार भी नहीं किया, गले नहीं लगाया, अभी तो मैंने उसकी आंखों का रंग भी नहीं देखा, अभी तो मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। अगर मैं उससे इतना प्रेम करता हूं तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मेरी और आपकी उत्पत्ति को सनातन से जानता है वो मुझसे आपसे कितना प्रेम करता हो,
उसके प्रेम के बारे में मनन कीजिए. That he became man and dwelt among us. ये संसार की सबसे बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गया. नील आर्मस्ट्रांग जो संसार के पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए, आपको पता है, दुनिया उनको जानती है. जब नील आर्मस्ट्रांग अपनी यात्रा को समाप्त करने के बाद वापस आए, दुनिया के तमाम समाचार पत्र, दुनिया के तमाम अखबार, रेडियो और न्यूज चैनल नील आर्मस्ट्रांग को देखना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे. और उन्होंने नील के सामने, एक बड़े सभा के सामने, एक सवाल रखा कि नील, आप संसार के पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चल के आए हो. वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू वर वॉकिंग ऑन द मून, जब आप चांद पर चल रहे थे, क्या आप अपने उस अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं? नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि जिस परमेश्वर ने चांद को बनाया वो हमारे बीच में चला था. उस यीशु को जानिए. कुलिसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय दूसरे पद के आखिरी लाइन में लिखा है, इट्स गॉड्स डिजायर दैट यू मे नो हिज सन. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, क्योंकि उसके अंदर सारी संपूर्णता सदैव बवास करती है. सारी संपूर्णता, आंशिक नहीं. आंशिक तो हमारे पास में दाऊद भी है, अब्राहम भी है. गीत गाने के लिए हमारी आदि माता और आदि पुरुष, हम उसके भी गीत गा सकते हैं, उसका भी मंदिर बना सकते हैं. एक बार मैं एक धर्म संसद में प्रचार कर रहा था, वहां तमाम लोग थे. प्रश्न आया, आप सिर्फ यीशु मसीह की आराधना क्यों करते हैं? हमारी बाइबल के अंदर 10,000 नाम है. यीशु अकेला नहीं है. बाइबल टॉक्स अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एडम एंड ईव. हम उसका भी तो मंदिर बना सकते थे, हम उसकी भी तो पूजा कर सकते थे, उसके भी तो गीत गा सकते थे. हम संसार के एक बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति नूह, जिसके बारे में लिखा है उसने जो कुछ उससे कहा गया उसने किया, और उसके द्वारा जिंदगी संसार में वापस आ गई. हम उसका भी तो मंदिर बना सकते थे, उसकी भी तो पूजा कर सकते थे. नूह के बारे में भी तो गीत लिख सकते थे. हम अब्राहम के बारे में भी तो बात कर सकते थे, अब्राहम का भी मंदिर बना सकते थे. वो नॉट. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की सारी संपूर्णता सदैव यीशु में ही वास करती है. इसलिए यहां से खड़े होकर मैं उस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं, मैं दाऊद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. परमेश्वर उनसे बातें की, वो प्रभु के सेवक लोग थे, प्रभु के आज्ञाकारी लोग थे, लेकिन वो परमेश्वर नहीं थे. But what a beautiful that God revealed himself through his son Jesus Christ. जब मैं समापन की ओर हूं, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है. कोई आपके लिए प्राण नहीं देगा. मैंने कहा मृत्यु बहुत कड़वा विषय है. Nobody would like to die for you. कोई आपके लिए मृत्यु को चखने के लिए तैयार नहीं होगा. लेकिन प्रभु का वचन कहता है नहीं. प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, मनुष्य क्यों बन गया, इस भेद को समझिए. 1994 में ओलंपिक चल रहा था और कई धावक जो है वो मैदान में दौड़ रहे थे उस बड़े इनाम को पाने के लिए. दौड़ शुरू हो गई, 63,000 लोग उस स्टेडियम में बैठे थे और सारे धावक दौड़ रहे थे. तभी एक धावक जिसका नाम डेरिक रेडमॉन था, वो जमीन पर गिर गया और उसका पैर टूट गया. डेरिक रेडमॉन ने उठकर दोबारा दौड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं दौड़ पाया. उसके सारे मित्र उससे आगे निकल गए. डेरिक उन्हें दौड़ता हुआ देखता रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा क्योंकि उस दौड़ को हार गया. तभी अचानक 63,000 की भीड़ में एक व्यक्ति ओलंपिक के मैदान में आ गया. ये नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति ग्राउंड में नहीं आ सकता. ये खेल नियम के विरुद्ध है, ये व्यवस्था के विरुद्ध है. केवल जो धावक है या जो प्लेयर है वही ग्राउंड में खेल सकता है या आ सकता है. और व्यक्ति दौड़कर आया डेरिक रेडमॉन के पास में. उसने उसके आंसुओं को पोंछा, उसे प्यार किया. डेरिक ने कहा, पिताजी थैंक यू फॉर कमिंग, आप मेरे लिए मैदान में आ गए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं. तब डेरिक के पिता ने डेरिक को कंधा दिया और डेरिक ने कहा, पिताजी मैं ये दौड़ हार गया हूं,
लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं. Though I have lost this race, but I want to finish this race. Would you like to help me? तब डेरिक के पिता ने अपना कंधा देकर डेरिक की उस हारी हुई दौड़ को पूरा करा दिया. मेरे प्रियो, आज से ठीक 2000 साल पहले जब सारी मानव जाति पाप में गिर गई थी, अंधकार में गिर गई थी, झूठ में, हमने प्रकृति की आराधना शुरू कर दी. रोमन्स उसका चैप्टर 1 कहता है लोगों ने प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दी. सच्चे परमेश्वर को भूलकर हम अंधकार की ओर चले गए. इसलिए दर्शन शास्त्र कहता है अस्तुमा सद्गमे तमसुमा ज्योतिर्मे मृत्युमा अमृतमे. हे परमेश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य की ओर लेकर चलो. दर्शन शास्त्र कहता है स्वंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम. केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है. केवल परमेश्वर ही हमारे उस पाप के बोझ को उठा सकता है. ये प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई. वचन कहता है कि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आ गया और हम जिस दौड़ को हार गए थे उसने उस दौड़ को हमारी पूरा कराने में. जब मैं समाप्त कर देना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्रूस की तरफ. मुझे नहीं मालूम यहां कोई क्रॉस या क्रूस के कोई चिन्ह है या नहीं, लेकिन आप समझते हैं. देयर इज नो नीड, क्रॉस नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको समझें. क्रूस जो है वो मृत्यु का चिन्ह है, अपमान का चिन्ह है, पीड़ा का चिन्ह है. और प्राचीन समय में बड़े अपराधियों को क्रूस की भयानक सजा दी जाती थी, बड़े अपराधियों को. और जो क्रूस था वो एक अंधकार की गुफा में रखा जाता था और जिस व्यक्ति को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी उसे निकाल कर उसके हाथों में सौंप दिया जाता था. द क्रॉस वॉज साइन ऑफ डेथ एंड पेन. जैसे फांसी का फंदा या बंदूक जिससे आप किसी की जान ले सकते हैं, यह कोई अच्छी चीज तो नहीं है. और इस क्रॉस को एक दिन यीशु मसीह के हाथों में दिया गया. द साइन ऑफ डेथ, द साइन ऑफ पेन वॉज गिवन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. एंड देन व्हाट हैपेंड, जीसस किस्ड इट, एम्ब्रेस्ड इट. यीशु मसीह ने उस क्रूस को गले लगा लिया. और आप जानते हैं क्या हुआ? जिससे लोग डरते थे, जिससे लोग छिपते थे, जिसे गुफाओं में छुपा कर रखा जाता था, जिसका नाम मृत्यु का चिन्ह था, दुख और पीड़ा का चिन्ह था, आज वो परमेश्वर की अनुग्रह का चिन्ह है, उसकी दया और प्रेम का चिन्ह है. जिससे लोग छिपते थे आज उसकी ऊंचे स्थानों पर लगाया जाता है और करोड़ों करोड़ों लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट उसके आगे दंडवत करते हैं. इमेजिन अगर यीशु इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, उसके इतिहास को बदल सकता है, तो वो मेरे और आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? उसने कहा है थ्रू माई ब्लड. हम बच्चे देखते हैं, जैसे बच्चे आगे बैठे हैं, माता पिता का डीएनए इनके अंदर है, ठीक है. आज हम परमेश्वर की संतान क्यों है? इसलिए है क्योंकि वी कैरी द डीएनए, वी कैरी द ब्लड ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इसलिए उत्पत्ति का वो परमेश्वर जिसने आदम की वाटिका में आदम और हवा को निकाल दिया, वो वापस उनके पीछे आया और आज भी वो आपके पीछे हैं, तभी आप यहां पर हैं.